तो गाइस यार आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले कैसे गरीब सा फ्रैंकलिन बना लॉस सैंटोस का सबसे अमीर आदमी। शिनचैन के पास थी बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे शोरूम, पर फिर भी फ्रैंकलिन ने कर दिखाया कुछ ऐसा, वो बन गया सबसे लॉस सैंटोस का अमीर आदमी। आओ पता करें कैसे। हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है फ्रैंकलिन और मैं काम करता हूँ एक डॉक वर्कर का। मैं इस वाली गाड़ी में उठाता हूँ बहुत सारा सामान और ट्रक्स और शिप्स के अंदर उन सामान को हमें डालना पड़ता है, तो यही मेरी जॉब है। अभी आपको करके भी दिखाता हूँ कैसे ये करना पड़ता है। सामने ट्रक का ट्रेलर पड़ा है, सामने बॉक्सेस पड़े हैं, उनको उठाना है और इन ट्रेलर के ऊपर रखना है। और इनमें बहुत ही ज्यादा महंगा महंगा और कांच वाँच के भी सामान यहाँ पे होते हैं। अगर वो टूटे तो मेरी सिर्फ जॉब ही नहीं, मैं खुद, मेरा घर, सबका सब चला जाएगा। तो फटाफट से इसको भी हमने उठा लिया, हमको रखना पड़ेगा उस ट्रेलर के ऊपर, इसको बिल्कुल ढंग से। इधर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इस ट्रेलर के ऊपर रखने के बाद ये सारे के सारे चले जाएंगे कोई दूसरी कंट्री में, सबके सबके सामान होते हैं। फटाफट से इसको बिल्कुल ढंग से खड़ा कर देते हैं। और गाइस ये क्या, ये बॉक्स तो टेढ़ा होने लग गया, इसको आराम से रखना पड़ेगा, ये गिरना नहीं चाहिए। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा टेढ़ा हो रहा है। तो पहला बॉक्स हमने रख दिया। ऐसे हमें यार बहुत सारे बॉक्सेस रखने पड़ेंगे जितने भी यहाँ पे पड़े, और फिर उनका पार्सल जाएगा सीधा दूसरी कंट्री में। फटाफट से दूसरे को भी उठाते हैं और इसको रखते हैं। बॉक्स हमने उठा लिया, फटाफट से इसको ट्रेलर के ऊपर रख देते आराम से। ये बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे जा चुका है, इसको निकालेंगे बाहर। और ये हमने बॉक्स यहाँ पर रख दिया है, बस इसको यहाँ से बाहर निकालना है। और हमारा सेकंड बॉक्स भी सक्सेसफुली रख दिया है, तीसरा हम लेके आ चुके हैं, इसको भी ढंग से रख। इस काम में तो मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, आज तक मैंने एक भी बॉक्स गिराया भी नहीं है और कभी गिराऊंगा भी नहीं। इसको भी हमने, अरे बच गया बच गया, क्या कैच किया मैंने, मुझे लगा था ये नीचे गिरेगा सीधा। अरे ये तो गिर गया, ये क्या कर दिया मैंने, मैं बस बोल ही रहा था कि मैंने आज तक कभी नहीं गिराया और गिरा दिया। ए कलुए, ये क्या किया तूने, हमारा बॉक्स गिरा दिया, तू जानता भी है इसमें कितना महंगा महंगा सामान हो सकता है। सॉरी सर, तू थोड़ी सी गलती हो गई। गलती, इस गलती को बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकल जा यहाँ से, मैं तुझे जॉब से निकालता हूँ वरना पुलिस को फोन कर दूंगा। सर सर, ऐसा मत करो, मुझे जॉब से मत निकालो, मैं इसको ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करोगे, टूटे हुए कांच चिपकाओगे फेविक्विक से, निकल जाओ यहाँ से वरना पुलिस को फोन कर दूंगा। अरे सर प्लीज ऐसा मत करो। एक कलुए निकल यहाँ से, एक तो कब से कलुआ कलुआ बोला, निकल जाए यहाँ से, मुझे तेरी जॉब करनी भी नहीं है। मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, कब से कलुआ कलुआ बोले जा रहा है, कब से चिल्लाया जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं करनी, मैं खुद का बिजनेस खोलूंगा। तो गाइस सर, मैंने सोच लिया मैं खुद का बिजनेस खोलूंगा, टैक्सी का बिजनेस। अभी मैं टैक्सी में यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे खरीद आ चुका हूँ इस खतरनाक से शोरूम में बहुत सारी टैक्सी। मुझे कम से कम 50 या 60 टैक्सी चाहिए, पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही टैक्सी चलेगी जिसका नाम होगा फ्रैंकलिन द टैक्सी। तो अभी हम इस शोरूम में आ चुके हैं, इनसे फटाफट से बात कर लेते हैं। भैया मुझे चाहिए बहुत सारी टैक्सी, वो भी लॉस सैंटोस में चलाने के लिए। ओके सर, मिल जाएगी, बताइए कौन सा कलर के चाहिए। कलर कलर मुझे चाहिए पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, सब मिक्स करके रेनबो कलर। ओके सर, मिल जाएगी। और गाइस सर, आप यहाँ पे देखो कितनी सारी खतरनाक खतरनाक गाड़ी है। वैसे तो सब लोग नॉर्मल टैक्सी लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ रोल्स रॉयस वाली टैक्सी लूँ, कैसा लगा मेरा आइडिया फटाफट से बताओ। अंकल मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे चाहिए 10 लैम्बोर्गिनी टैक्सी, 10 फरारी टैक्सी, 10 रोल्स रॉयस टैक्सी और 10 जो आपके पास सबसे महंगी गाड़ी है वो वाली टैक्सी। ओके सर, अभी दिलवाता हूँ सर। पेमेंट कैश या कार्ड? पेमेंट हाँ, बताओ कितने हुए। मैं देते हूँ आपके हुए $50 million। अबे कौन है मैं? अरे मैं हूँ इस शोरूम का ओनर। शिनचैन तू 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 इस शोरूम का ओनर है? अरे फेकी, मैं इस शोरूम का ओनर हूँ और आपने जो गाड़ी खरीदी ना उसके $50 million हुए, जल्दी से दे दो। कितने मिलियन? फेकी में 50। 50? उसमें जीरो कितने होते हैं? अरे फेकी में बहुत सारे जीरो होते हैं, आप कभी नहीं खरीद पाओगे, निकल जाओ यहाँ से। ओ शिनचैन, तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ? अरे मुझे पता है आप बहुत ही ज्यादा गरीब हो। शिनचैन मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ, बहुत सारी टैक्सीज का बिजनेस जिसका नाम होगा फ्रैंकलिन टैक्सी वाले, और उसमें ये लैम्बोर्गिनी, फरारी। अरे सपने में देखो निकले ऐसे। अबे शिनचैन तू मुझे अपने साथ रख लेना, मैं तेरे शोरूम में काम करूंगा, झाड़ू पोछा सब आता है मुझे। सिक्योरिटी निकालो इनको। अरे बे क्या बोल रहे, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि ठीक है गाड़ी नहीं देनी तो क्या हुआ, सिक्योरिटी क्यों बुलाने? अरे गाइस, अरे शिनचैन के बच्चे ने तो यहां पे सिक्योरिटी बुला लिया मुझे ऐसे भगाने के लिए। अरे जल्दी निकलो ऐसे। अरे हां जा रहा हूं। वैसे भी मुझे तेरी एक थर्ड क्लास गाड़ियां चाहिए भी नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सस्ती है। सिक्योरिटी पकड़ो इसको, भागो यहां से। शिनचैन तू देख लेना, एक दिन इससे भी अच्छा शोरूम मेरे पास होगा। इसकी गाड़ी देखो कितनी ज्यादा गंदी है, मैं इससे भी ज्यादा अच्छी गाड़ी लूंगा। ये ले, इतनी गंदी गाड़ी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। यही पे की मैं कितनी बार बोले दिन में सपने मत देखा करो, निकलो यहाँ से। अरे हाँ जा रहा हूँ यार। तो गाइस सर, मैं अपना सपना पूरा करने आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ बैंक में। यहाँ पे हम जाएंगे, बहुत सारा पैसा इनसे लेंगे और हम खोलेंगे बहुत ही बड़ा शोरूम, शिनचैन से भी बड़ा शोरूम। अंकल हट जाओ, हम आ चुके हैं
बैंक में, तो गाइस फटाफट चलते इनसे लेते बहुत सारा पैसा। आंटी जी कहाँ पर हो? आंटी जी मुझे चाहिए बहुत सारा पैसा, दे दीजिए। हाँ तो सर बताइए आपको कितने साल का लोन चाहिए? कितने साल का नहीं, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए, फटाफट से दे दो। सर कब तक वापस देंगे? वापस देंगे? मैं क्यों वापस दूंगा, मैं नहीं दूंगा वहाँ पे पैसे। आप मुझे पैसे दो, मैं आपको कभी नहीं दूंगा। सर यहाँ पैसा नहीं होता, सिक्योरिटी मारो उसको। नहीं कोई मुझे नहीं मारेगा, जा रहा हूँ। तो गाइस ये बैंक वाले ने मुझे बाहर क्यों भगा दिया? रुको मेरे पास एक आईडिया, इस सिक्योरिटी वाले को मारेंगे। ये ले इसको मार दिया, इसकी गन उठाते और यहाँ पे सबको मार दे। मुझे पता था ये बैंक वाले मुझे पैसे नहीं देने वाले, इन्होंने सोचा था ये काला लड़का आएगा और इसको पैसे हम नहीं देंगे, पर इनको पता नहीं है मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। अब इनके सारे सिक्योरिटी गार्ड को मैं यहाँ पे मारने वाला हूँ, गन तो मैंने यहाँ पे चुरा ली, इन सबको यहाँ से मारते हुए चलेंगे और इनके बैंक में से पैसा निकाल के, ए चुपचाप पैसा दे दो वरना सबको मार दूंगा। तो यार अभी मुझे पता चल चुका ये सारे बैंक वाले अपने सारा पैसा और गोल्ड कहीं पे छुपा के रखते हैं, तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, उससे पहले इन सारे सिक्योरिटी गार्ड को मारना पड़ेगा। गेट तो मैं तोड़ते तोड़ते जा रहा हूँ, जो भी सामने आ रहा है मुझे लगता है मुझे नीचे जाना चाहिए, बेसमेंट में बहुत सारा पैसा और गोल्ड होने वाला है और सामने मुझे एक लॉकर दिख रहा है, उधर तक जल्दी से पहुंचते हैं। चलो गाइस ये वाला गेट भी हमने खोल दिया और ये लॉकर हमें मिल चुका है, इसको हम तोड़ेंगे एक ही बुलेट से। और गाइस यार ये क्या, ये तो बिल्कुल सच हो गया, बेसमेंट में है बहुत सारा पैसा, ये देख सकते हो कितना सारा पैसा है और यहाँ पे तो गोल्ड भी है। अरे मैं तो ऐसे घुस गया था बैंक में, पर यहाँ पे तो बहुत सारा पैसा और गोल्ड है, लगता है हमारी रॉबरी सक्सेसफुल हो चुकी है, मुझे सारा सारा पैसा और गोल्ड मिलने वाला है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर बस दिक्कत एक ही है कि यार यहाँ से मैं जब निकलूंगा तो मुझे बहुत सारी पुलिस मिलने वाली है, मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये कौन सी जगह? और गाइस यार ये क्या, यहाँ से तो बाहर निकलने का रास्ता है। रुको रुको ये वाले ट्रक को फटाफट से अंदर डालते हैं, इसमें सारा सारा पैसा और गोल्ड भरेंगे, फिर यहाँ से निकलने में थोड़ी आसानी होने वाली है। तो गाइस यार आखिरकार हमें फाइनली सारा का सारा गोल्ड और सारा पैसा मिल चुका है, अभी हम यहाँ से निकलेंगे और थोड़ी पुलिस वुलिस भी बीच आने वाली है, उनको एस्केप कराना पड़ेगा। और यहाँ पे तो मिलिट्री वाले आ चुके हैं, अरे मैंने सोचा था सिर्फ पुलिस वाले आएंगे, यहाँ पे तो मिलिट्री वाले आ चुके हैं। भाई साहब आप टेंशन मत लो, मैं इनको आराम से पीछे छुड़वा दूंगा, क्योंकि मेरी ड्राइविंग स्किल सालू भाई से भी बहुत ही खतरनाक है। सामने पुलिस आ गई, क्या ही खुदा है मैंने अपनी ट्रक को, ये ट्रक यार उड़ती बहुत मस्त है। यो गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो, मेरी आवाज मुझे पता चला है हम ही लोग ऐसे ही बात करते हैं, कैसे हो तुम सब लोग, आप सबका स्वागत है मेरे इस खतरनाक से शोरूम में। अरे ये आवाज तो बहुत ही खराब है, मेरी आवाज ज्यादा अच्छी है। तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड को मारा और उसने मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि सारा सारा शोरूम मेरा है। पहले मैंने सोचा था इस वाले शोरूम से मैं एक गाड़ी लूंगा, फिर मैंने सोचा क्यों ना ये पूरा का पूरा शोरूम ही खरीद लिया जाए। तो गाइस ये पूरा का पूरा शोरूम हमने यहाँ पे खरीद लिया और यहाँ पे बहुत सारी खतरनाक तरह तरह की गाड़ियां है, यहाँ पे तो बुगाटी, एक और बुगाटी, ये विंटेज कार, इतनी सारी खतरनाक बाइक्स, सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, ऑफ रोड कार, जो गाड़ी चाहिए यहाँ पे मिलेगी। और गाइस ये शोरूम है हमारा, इसका नाम है फ्रैंकलिन द शोरूम, और ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस गाड़ी के पीछे एक खतरनाक सा रॉकेट बूस्टर जो कि लगता है जेट्स में, इसमें लग चुका है एक जेट का इंजन और ये उड़ने वाली है बहुत ही ज्यादा तेज, मतलब उड़ेगी नहीं पर चलेगी बहुत ही ज्यादा तेज। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके तुम्हारा शोरूम आपको कैसा लगा, अभी आपको इस गाड़ी को चला के दिखाता हूँ ये कितनी ज्यादा तेज चलती है। चलो गाइस फटाफट से टेस्टिंग करते हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसका बूस्टर तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस अभी मैं घूमते घूमते आ चुका अपने अगले शोरूम में जो कि मैंने खरीद लिया है। आपको याद होगा ये किसका शोरूम है, आप सबका स्वागत है फ्रैंकलिन शोरूम नंबर 2 जो कि पहले था शिनचैन का। हेरी विक्की में मैं फिर से क्यों आ गई? अब मैं शिनचैन, तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ, वैसे तू इधर क्यों खड़ा है? हेरी विक्की में क्या बताऊँ, किसी ने मेरा शोरूम खरीद लिया, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। हेरी विक्की में हंस करो। आपने मेरा शोरूम खरीदा है? हाँ शिनचैन तूने बिल्कुल सही बोला, तेरा शोरूम मैंने खरीदा है। एरी में क्या बोल रहे हो? शिनचैन जो मैंने तेरे को पेपर दिए थे ना उसमें साइन देख ले किसका है, फ्रैंकलिन द वरुण द गेमर का। एरी विक्की में ये तो आपका ही साइन है। हाँ शिनचैन क्योंकि मैंने तेरा पूरा का पूरा शोरूम खरीद लिया है। एरी विक्की में पर कैसे, क्यों, कब? अब ये शिनचैन बहुत ही लंबी स्टोरी है, वीडियो जाके देख लियो सब दिख जाएगा। तो गाइस हमने खरीदा ये शिनचैन का शोरूम जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा था, पर ये शिनचैन का था इसलिए मुझे खरीदना था। तो यहाँ पे तो भाई बहुत सारी खतरनाक यहाँ पे गाड़ियां है, ये विंटेज कार है और ये अलग तरह की कुछ रंग बिरंगी कार है, पर मुझे ये अच्छी लग रही है, मुझे लग रही है वो विंटेज कार जो कि हमारे शोरूम में भी है। पर शिनचैन की गाड़ी चलाने में कुछ अलग ही मजा है, इंटीरियर देख सकते हो बहुत ही ज्यादा पुराना है, तभी तो इसका नाम है विंटेज कार। एनीवे
विकी मैं, मुझे अपने साथ देख लो। ए आचा, ए बच्चा किसका ये? अरे विकी मैं आपका ही बच्चा हूं, प्लीज मुझे अपने साथ देख लो। अरे काइजर शिनचैन तो मेरे पीछे पड़ गए। अरे विकी प्लीज प्लीज प्लीज, अरे भागो यहाँ से, निकालो अपनी गाड़ी को। अरे विकी मैं प्लीज मुझे अपने साथ देख लो, अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगा। सॉरी 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 सॉरी। अरे काइजर शिनचैन तो मेरा माता कर रहा है। अरे विकी प्लीज ना। अरे काइजर आप फटाफट से कमेंट करके बता दो, शिनचैन को मैं अपने साथ रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? अरे विकी मैं रखना चाहिए। अबे तेरे से नहीं पूछ रहा हूं, गाइस से पूछ रहा हूं। अरे चले चलो। अरे तो मेरी गाड़ी में आके बैठ गया उधर शिनचैन। अरे विकी मैं प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चल ठीक है, रह ले साथ में, कोई बात नहीं। तो गाइस अब इस वाले शोरूम में हमें देखिए एक और खतरनाक चीज, हमारे पास एक प्राइवेट यॉट भी है और एक बोट भी है और यार मस्त रास्ता भी है बोट तक जाने का। तो गाइस अभी हम समुंदर के ऊपर आ चुके हैं और सामने खड़ी हमारी बोट और सामने प्राइवेट यॉट भी खड़ी है। तो गाइस हम यहाँ पे कभी भी ये बोट चला सकते हैं, शोरूम से लेके जा सकते हैं प्राइवेट यॉट पे, कर सकते हैं वहाँ पे खतरनाक खतरनाक पार्टी। अगर आपको इस खतरनाक से यॉट की पार्टी में आना है फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे हम करेंगे इस प्राइवेट यॉट पे पार्टी। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से कमेंट करके बताओ ये शोरूम आपको कैसा लगा। लॉस सैंटोस में हो चुका हमारे दो दो शोरूम, फटाफट से बताओ सबसे अच्छा शोरूम आपको कौन सा लगा। और गाइस और हम क्या क्या चीजें खरीदे वो भी बताना, लॉस सैंटोस में बहुत ही ज्यादा मजा आया इन सारी चीजों को खरीदने में। और गाइस अभी मैं अपने शोरूम में आ चुका हूं, तो क्यों ना एक और गाड़ी खरीदी जाए। मतलब मुझे ऐसे खरीदनी नहीं है, सिर्फ चाबी लगानी है और घुमाना है और चल दो। तो हमें एक और विंटेज गाड़ी मिल चुकी है, मैं सोच रहा हूं एक विंटेज कार का कलेक्शन बनूं। तो अगर आप मेरा विंटेज कार का कलेक्शन देखना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट कर दो। और गाइस आज की वीडियो से भी इतना, अगर आपको आज की वीडियो लाइक कर देना चाहे तो सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जॉइन फॉलो करना। और गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।